हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एंड फूडीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओट्स ऑमलेट की एक हेल्दी रेसिपी, जिसमें मैंने ओट्स के साथ कई सारी वेजिटेबल्स का यूज़ किया है और हम इसके साथ खाने के लिए एक हेल्दी डिप भी तैयार करेंगे जो इसके साथ एकदम परफेक्ट जाता है। आप इसे झटपट बनाकर नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की हमारी ये रेसिपी शुरू करते हैं। ओट्स ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में आधा कप ओट्स डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। तो थोड़ा पानी हम और डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तब इसे हम मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जब तक ये सोख होता है हम सब्जियाँ रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ओट्स हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम कुछ सब्जियाँ डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, धनिया की पत्ती, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्च को काट लिया है। तो आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन सारी सब्जियों को हमें एकदम बारीक बारीक काट के डालना है। तो गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया था। तो अगर आप इसमें से कोई सब्जी पसंद नहीं करते हैं तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो सारी सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और सब्जियों की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कम डालना हो तो कम डाल सकते हैं। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच हम इसमें ऑरिगेनो डालेंगे। तो ऑरिगेनो ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें अंडे डालेंगे। तो मैं इसमें 2 अंडे डाल रही हूँ, आप चाहें तो 3 अंडे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें अंडे उतने डालने हैं जिससे मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ये लिक्विड कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए, जिससे सारी सब्जी अच्छे से बाइंड हो जाए एक दूसरे में और पलटने में भी काफ़ी आराम रहता है। तो अगर आप अंडे नहीं डालना चाहते हैं और ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो आप उसमें पानी भी मिक्स कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, अंडे नहीं खाते हैं, तो आप अंडे की जगह इसमें बेसन या सूजी डाल के इसका चिल्ला बना सकते हैं। तो ये देखिए अभी ये हल्का हल्का ड्राई है, तो आप चाहें तो इसमें 1 अंडे और मिला सकते हैं या फिर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा बैटर एकदम रेडी है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, इसे हम पकाएंगे। तो हम एक पैन लेंगे, आप चाहें तो तवा ले सकते हैं, पैन जिसमें आपको आराम रहे बनाने में। और उस पर हम थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से फैला देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम अपना बैटर इसमें डाल देंगे। तो मैं सारा बैटर एक ही बार में डाल रही हूँ, एक बड़ा सा चिल्ला मैं बनाऊँगी इसका ऑमलेट। तो आप चाहें तो इसमें 2 या 3 बना सकते हैं छोटे छोटे। तो इस तरह से हम अच्छे से फैला देंगे, इसको पूरा इवन कर देंगे पूरे पैन में। तो हमें इसको बहुत मोटा भी नहीं रखना है और बहुत पतला भी नहीं रखना है। तब इसे हम ढक करके लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट पकने देंगे। तो जब तक ये पक रहा है हम इसके साथ खाने के लिए एक अच्छा सा डिप तैयार करेंगे। तो डिप के लिए हम आधी कटोरी घर की ताज़ी दही लेंगे। तो ये एकदम गाढ़ी दही है, फ्रेश दही है। इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे और 2 से 3 चुटकी हम इसमें नमक डालेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपके पास चिली फ्लेक्स या ऑरिगेनो नहीं है तो आप इसकी जगह पर चिली पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डाल सकते हैं, उससे भी ये काफ़ी टेस्टी लगता है। तो आप जब भी ऑमलेट या चिल्ला बनाएं इस डिप को ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। ये हमारा डिप एकदम रेडी है, बहुत ही डिलीशियस है। तो अभी इसे हम साइड में रखते हैं और चलते हैं अपने ऑमलेट की तरफ। ये देखिए हमारा ऑमलेट भी एक तरफ अच्छे से पक गया है। तब इसे हम केयरफुली पलट देंगे। तो काफ़ी बड़ा है तो हमें ध्यान से पलटना पड़ेगा, अगर छोटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से पलट सकते हैं उसको। तो बस इसे अभी हम 3 से 4 मिनट दूसरे साइड भी पका लेंगे और इस बार हम इसे ढककर नहीं पकाएंगे, नहीं तो ऊपर की लेयर जो थोड़ी सी क्रिस्पी है वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो दूसरी तरफ हमें ढककर नहीं पकाना है। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट मैंने दूसरी तरफ भी पका लिया है और ये हमारा ओट्स का हेल्दी ऑमलेट बन के तैयार है। अब इसे हम गर्मा गर्म प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये देखिए हमारा ऑमलेट और ये जो डिप हमने तैयार किया है, तो इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। तो अगर बड़ा चीला आप बना रहे हैं, बड़ा ऑमलेट बना रहे हैं, तो आप इसे बीच से इस तरह से कट कर लें। अगर छोटा है तो कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे आपको दूसरी साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है। तो आपने देखा इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो आप इसे सुबह के नाश्ते में बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो आप इस डिप को ज़रूर ट्राई करें
इस डिप के साथ इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप